तहरीक इंसाफ के MNA सैयद फैजुल हसन शाह के बड़े भाई सैयद मंजूर हुसैन शाह साबिक MNA का कातिल इश्तिहारी मुजरिम मुजम्मिल हुसैन को शाहदरा लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। 17 साल कबल 2005 में शादी से वापसी पर थाना सदर लाला मूसा की हुदूद में मेकन मोड़ ठीकरिया के करीब साबिक MNA सैयद मंजूर हुसैन शाह को उनके 4 साथियों गुलाम अली, मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद इकबाल को दरीना दुश्मनी पर फायरिंग करके कत्ल करने वाला और मुख्तलिफ संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुजरिम मुजम्मिल हुसैन उर्फ अंसर जावेद वल्द गुलाम हुसैन सकना ढोला तहसील खारिया को CIA इकबाल टाउन लाहौर ने शाहदरा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी इश्तिहारी मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत पर खसूसी टीम ने की। इब्तदाई तफ्तीश में मुजरिम ने बताया कि उसने साथियों गुलाम हुसैन, शफकत, कैसर, फजल अब्बास, वकार अब्बास, शफकात समर, कासिम अली, नासिर और कैसर के साथ मिलकर देरीना दुश्मनी पर सैयद मंजूर हुसैन शाह, गुलाम अली, मोहम्मद अशरफ और इकबाल को शादी से वापसी पर प्लानिंग करके हलाक कर दिया था और फरार हो गए, जिसका मुकदमा 3 जनवरी 2005 को थाना सदर में सैयद मोहसिन अली शाह की मदीयत में दर्ज हुआ। गिरफ्तार मुजरिम से मजीद तफ्तीश जारी है। याद रहे कि मुदई सैयद मोहसिन अली शाह को भी शाहजहानिया के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। आकाश न्याजी, आवाज न्यूज, गुजरात। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।